हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम अकेडमी। वो स्टूडेंट जो होम अकेडमी प्लेटफॉर्म पे नए हैं और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को जरूर जो है वो फॉलो कीजिए। तो आज हम जो है वो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंसस 2011 से जो है वो लेके आए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे आप फाइनेंस का दे रहे हैं, VLW का दे रहे हैं, जिस जिस में ये सिलेबस में जो है मेंशन किया गया है टॉपिक, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वीडियो जो है, मैं ये टॉपिक जो है एक्चुअली मैं पहली बार जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे ये टॉपिक को नहीं दिया है। तो आज हम सेंसस तो है वो 2011 को जो है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है मैं पहला क्वेश्चन जो है वो देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। कंप्लीट रिवीजन हम क्वेश्चन से करने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि कौन सी जो है मोस्ट पॉपुलर स्टेट है 2011 के सेंसस के मुताबिक। आपने 2011 का सेंसस पढ़ा होगा तो आप बताएंगे उसके मुताबिक कि कौन सी वो स्टेट है। चार स्टेटें दी गई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। वो कौन सी स्टेट है जो मोस्ट पॉपुलस है? आप में से बहुत से स्टूडेंट का आंसर जानते होंगे, वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश से कुछ भी जानने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया में कौन थी? उत्तर प्रदेश थी। अगर ये मोस्ट पॉपुलेटेड थी तो यहाँ की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। वैसे जो है ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं कि सीधा हाईएस्ट लोएस्ट, ऐसी ही चीजें पूछते हैं या सेकंड तक चले जाते हैं। अगर आपको फिर भी पॉपुलेशन पूछी गई तो आप याद रखेंगे 20 करोड़ के आसपास जो है यहाँ की पॉपुलेशन थी। चलिए मोस्ट पॉपुलस तो देख लिया, लेकिन यहीं पर आप लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट को भी देख लेंगे। वो कौन सी? वो सिक्किम है। इनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी? 6 लाख के आसपास जो थी वो सिक्किम की थी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज ही करा देता हूँ। क्वेश्चन से पहले मैं सेंसस 2011 को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इसकी थ्योरी की क्लास नहीं दी है, थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये आपके पास सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये शॉर्ट रिविजन रहेगी आपकी, फुल में नहीं पढ़ने वाले, डिटेल में नहीं। देखिए सेंसस 2011 को हमने एक नाम दिया था, सोशियो इकोनॉमिक एज कास्ट सेंसस पे था। वो जो सेंसस किया गया था वो किसकी बेसिस पे था? सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सेंसस था। आपने देखे होंगे वो जो 29 क्वेश्चन के आसपास जो है उस सेंसस में पूछे गए हैं। आप इस सेंसस की वेबसाइट पे जाके ये देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कि 2011 में जो सेंसस किया वो हाउस होल्ड के रिलेटेड जो है वो 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका नाम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड था। अब सेंसस में हम करते क्या है? हमने सेंसस जो है, आप स्टेटिस्टिक्स में भी पढ़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम जो है अपनी पॉपुलेशन की जो है स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। कि हमने देखना था 1951 में हमारी इतनी पॉपुलेशन थी, उससे हम आगे चले 61 में इतनी हो गई, फिर जो है 71 में कितनी हो गई। इसी तरीके से 2001 के बाद 2011 में देखनी थी कि हमारी एक डिकेड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो हम बेसिकली जो है अपनी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और इसी को जो है डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन ए डेमोग्राफी। तो ये कवर करता था खाली डेमोग्राफी नहीं, ये कवर करता था डेमोग्राफिक के अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा को भी जो है कवर करता था। तभी मैंने इसको क्या लिखा? सोशल और इकोनॉमिक भी। और साथ में हमने देखा डेमोग्राफिक डाटा को भी कलेक्ट किया, सोशल डाटा को भी कलेक्ट किया, और साथ में इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डाटा को भी कवर किया। क्योंकि आपको सेंसिस में क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, ये क्वेश्चन ये था कि आर यू वर्किंग, कि आर यू सीकिंग फॉर वर्क, कि आप जॉब कर रहे हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन भी जो है वो 29 क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि सेंसिस जो है ये कब से स्टार्ट किया गया। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन रही कि 1871 है या 1881 है, ठीक है? बट फर्स्ट जो है वो सेंसिस में स्टार्ट करने की बात की गई। सेंसस को जो स्टार्ट किया गया वो कब किया गया था? 1871 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। उस टाइम के जो वाइस रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड मायो थे। और आप जानते हैं, आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, जो लॉर्ड मायो थे
इनका जो है वो कत्ल कर दिया गया था, इनको जो है मार दिया गया था। इनको मारने वाले कौन थे? शेर आफरीदी, जो जेल तोड़ के भाग गए थे अंडमान निकोबार से, वहां की जेल में। तो वहां इन्होंने जो है 1972 अगले ही साल जो है इनको कत्ल कर दिया था। तो लॉर्ड मायो ने जो है बेसिकली जो है वो स्टार्ट किया था सेंसस देने। अगर सेंसस का डेटा जो है 71 में स्टार्ट किया गया तो उसी साल जो है सेंसस कंप्लीट तो नहीं होगा। तो जो सेंसस जो है फाइनली जो है फर्स्ट सेंसस जो हमारे पास आता है वो कब आता है? 1881 में। जो फाइनली जो है ऑफिशियल जो है सेंसस आता है वो 1881 में जो है ये आता है। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे सेंसस जो है वो किए गए। 2011 का जो हमें हमारा सेंसस था वो 15वां सेंसस था इंडिया का। कौन सा था? 15वां सेंसस था। बट एक मैं आपको बात बताता हूँ, 1948 में जो है एक एक्ट पास किया गया था। 1948 में सेंसस एक्ट पास किया गया था। कौन सा एक्ट? सेंसस एक्ट पास किया था जो कि लीगली बैक करता था कि हम सेंसस कर सकते हैं। तो 2011 में जो हमने सेंसस किया गया किया ये कौन सा था? 15वां सेंसस था। और इसकी एक खास बात ये भी है, 15 सेंसस में इसने हमने फर्स्ट टाइम जो है वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली। पहली बार जो है किस सेंसस में बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली थी? वो इसी सेंसस 2000 जो है वो 11 वाले में ली थी। ये भी याद रख लेंगे आप। फिर आगे चलते हैं। देखो सेंसस जो है 81 से हमने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो आजादी के बाद ये कौन सा सेंसस है, तो कौन सा होगा? ये 7वां सेंसस होगा। ऐसे 15 है और आजादी के बाद जो है ये 7 जो है वो सेंसस होगा। कुछ चीजें जैसे कि इसमें ऐड नहीं, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स तो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज थी। थीम की बात करूंगा, जो सेंसस 2011 को नाम दिया गया वो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर जो है ये इसको जो है वो नाम दिया गया। तो इसे हम मॉडर्न सेंसस 2011 भी कह सकते थे। आगे चलते हैं। ये कंडक्ट कौन करता है? सेंसस जो करवाती है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है, होम अफेयर जो होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बेसिकली जो प्रिपेयर किया जाता है एनएसओ के, एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का ऑफिस होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। तो याद रखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर उनका ऑफिस है। उस टाइम के सेंसस कमिश्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चंद्रा मौली जो थे, सी चंद्रा मौली उस टाइम के सेंसस कमिश्नर थे। तो ये होम अफेयर के अंडर आता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब जो सेंसस से कुछ रिलेटेड डेटा की तरफ भागते हैं, डेटा क्या है? ऐसे तो बहुत सा डेटा है जैसे कि कितनी स्टेट्स थी उस टाइम, कितनी यूटी थी। हम जानते हैं उस टाइम हमारी स्टेट और यूटी तकरीबन 35 के आसपास थी। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा 640 डिस्ट्रिक्ट थे। सब डिस्ट्रिक्ट कितने थे उस टाइम जो है? 5,900 जो है तकरीबन 24 थे सब डिस्ट्रिक्ट। और इसी तरीके से हमारे इधर टाउन कितने थे उस टाइम? जो टाउन थे टोटल कस्बे जो थे 7,396 के आसपास थे। अब बताइए उस टाइम विलेजेस कितने थे? उस टाइम जो है ऐसे ऐसे फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। फिलहाल आप देखिए टोटल कॉस्ट जो 2011 के सेंसस में लगी वो 2,200 करोड़ रुपए लगे। सेंसस 2011 को कंप्लीट करने के लिए जो पैसा लगा वो कितना था? 2,200 करोड़ था। एक पर्सन पे जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? एक पर्सन पे जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? 18 रुपए 19 पैसे एक पर्सन पे कॉस्ट। बहुत पेपर लगा वो कितना टोटल पेपर लगा? 8,000 मेट्रिक टन का जो है वो पेपर लगा। तो सोच सकते हो आपके कितना ज्यादा जो है इसमें पेपर लगा है, 8,000 मेट्रिक टन। सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था कितनी लैंग्वेजेस में? अभी देखिए ये लैंग्वेजेस का जो है इसमें भी जो है डाउट रहता है। टोटल जो लैंग्वेजेस थी वो 16 लैंग्वेजेस में किया गया जो कि हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनमें से, ठीक है, 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनमें से टोटल 16 लैंग्वेजेस में सेंसस किया गया। अब सेंसस जो कंडक्ट कर किया गया 15 रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया और साथ में जो है वो इंग्लिश जो है उसमें भी किया गया। तो टोटल जो है वो 16 लैंग्वेजेस जो है वो उनमें सेंसस किया गया। हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनमें से 16 लैंग्वेजेस में जो है वो सेंसस किया गया।
तो सेंसस 2011 जो था, ये दुनिया का जो है वर्ल्ड्स जो है लार्जेस्ट एन्यूमरेशन जो है वो एक्सरसाइज थी, दुनिया की सबसे बड़ी। एक बात इसमें खास की गई, ऐसे तो जेंडर मेल फीमेल लेते थे और अदर्स कर देते थे, तो यही वो सेंसस था जहां से जो है वो थर्ड जेंडर जो है यूज हमने वर्ड शुरू किया। थर्ड जेंडर जो है इसी सेंसस में 2011 में पहली बार यूज किया गया। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, इससे पहले आप ये देख लीजिए, मिस्टर सी जो है चंद्रामौली जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे डेट टाइम, उस टाइम जो थे वो कौन कमिश्नर थे, सी चंद्रामौली जो थे वो कमिश्नर थे। अब सेंसस जो थे इसके दो फेजेस चले हैं, टू फेजेस हैं, दो फेजेस जो है सेंसस के हैं। एक तो हाउस लिस्टिंग फेज रहता है, हाउस लिस्टिंग फेज है, और दूसरा अगर हम फेज की बात करेंगे वो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का फेज रहता है। ठीक है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का जो है वो फेज रहता है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये सारी चीजें, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसकी डेट क्या है वो सारी चीजें। फिलहाल हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अब इंडिया का जो सेंसस है, अगर हम इंडिया की सेंसस की बात करेंगे, इंडिया की सेंसस ने हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो शो की है। क्या मतलब पॉजिटिव ग्रोथ का होगा? कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो हर सेंसस में जब हमने किया, हर 10 साल के बाद सेंसस हम करते हैं, तो देखा गया हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए डेटा देखिए, हमारी 1901 में जो है 238 मिलियन पॉपुलेशन थी, 1911 में 252 हो गई, 21 में जो 252 से 251 हो गई, यहां पर कम हो गई, लेकिन बाकी ग्राफ देखेंगे कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ती जा रहा है। ठीक है, आप यहां पर 2011 में देखेंगे 1.21 बिलियन हो गई, तो जो है 121 करोड़ जो है हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो आपने देखा सेंसस में जो है हमने हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ शो की, इसलिए हमारा ग्राफ जो हमेशा ऊपर के लिए जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन यहां पर आपने ये देख ली कि यहां पर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, तो नेगेटिव ग्रोथ 1911 से 1921 के बीच में जो है उसने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। तो यही रीजन है 1921 के ईयर को हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड, और ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो 1911 से 1921 के बीच में जो है इस ईयर को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड और ग्रेट डिवाइड। अब क्या रीजन थे पॉपुलेशन कम होने के? एक तो फेमाइन कंडीशन थी, ड्राउट था, ये था, और वर्ल्ड वार जो थी उसका ईयर भी जो है वो बीच में रहा था। तो यहां पर जो है नेगेटिव ग्रोथ जो आपकी हुई, और उसके बाद जो है तब से लेकर आज तक जो है लगातार हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की, उनकी अभी तक डबल नहीं हुई, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड रेट से जो है बढ़ती जाती है। अब देखिए ये पॉपुलेशन जो है कैसे बढ़ती है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी हम पढ़ेंगे सारे डेटा रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, कि कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब कितनी थी, आगे कितनी थी, तो अब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे यहाँ पर, बेसिकली डेमोग्राफी की। पॉपुलेशन जो हमारी कितनी हो चुकी है, तो 2011 में 121 करोड़ की जो है पॉपुलेशन, जिसको हम लिख सकते हैं 1.1 बिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन। अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 17.5% जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन के मुताबिक है। ग्रोथ हुई तो इंडिया जो है एक तो सेकंड पॉपुलस कंट्री जो है वो बन चुका था, सेकंड जो है वो पॉपुलस कंट्री जो है वो इंडिया जो यहाँ पर बन चुका था। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ हुई है 2011 से 2001 से 2011 के बीच में 181 मिलियन की जो है वो ग्रोथ हुई है। कितनी? 181 मिलियन लोगों की ग्रोथ हुई है। तो आगे हम डेटा को देखेंगे, तो मैंने वो पहले आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो हमारी ग्रोथ हुई है, तो 2011 में हमारी 121 थी। तो मेल की पॉपुलेशन जो 121 करोड़ जो है हमारी पॉपुलेशन थी, उसमें से 62 करोड़ जो थे, यानी कि 51.84% जो थे वो मेल थे। कितने मेल्स की पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 62 करोड़। 62 करोड़ जो थे उसमें से जो थे वो कितने थे? वो मेल्स थे। फीमेल्स की पॉपुलेशन में बात करूंगा तो 58 करोड़ के आसपास जो थी वो फीमेल्स थी, तो तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन फीमेल्स की थी, और 51% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो मेल्स की थी।
और आप जानते हैं जब आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल जो है वो कम है, मेल जो है वो ज्यादा है। तो उस तरीके से जो हमारा सेक्स रेशियो जो है वो 9:40 जो है वो फीमेल्स होगी पर 1000 मेल्स। आगे पढ़ेंगे वो भी हम फैक्ट। फिलहाल जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इंडिया में है वो क्या है, 2001 से 2011 के बीच में 121 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन नई ऐड हुई है इंडिया की। तो इसमें जो है आप ये देख लीजिए तकरीबन 10 साल में हम कह सकते हैं 18 करोड़ जो है वो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, 18 करोड़ जो है वो नई पॉपुलेशन ऐड हुई है। तो कितनी परसेंट ग्रोथ है, 17.64% की ग्रोथ है। ऊपर मैंने 17 पॉइंट लिखे तो आसपास ही है, तो हम चलिए 17.5% की जो है वो ग्रोथ है पॉपुलेशन। अब देखिए फैक्ट और फिगर जो है आपको नहीं पूछेगा कि मेल कितने थे, 62 करोड़ थे। हाँ परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए जो है एक अंदाजा जो है याद रखें। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हमने देखा, बट इंडिया क्या है कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्या है एक यूनियन ऑफ द स्टेट, बहुत सी स्टेट से मिलके जो है वो जो है इंडिया बनाती है। तो हर स्टेट की जो है वो पॉपुलेशन अलग तरीके से बढ़ी, कहीं ज्यादा बढ़ी है कहीं कम बढ़ी है। कुछ ऐसी स्टेट है उत्तर प्रदेश जैसी जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ अरुणाचल प्रदेश जैसी भी है, सिक्किम जैसी भी है जहां पर जो है पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट कहाँ पर है, पॉपुलेशन की बात नहीं की, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की मैंने बात की, और यहीं पर तो गलतियां होती है बच्चों। पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट जो है वो कहां पर है, वो है मेघालय में। मेघालय में अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने ईयर से तो यहाँ की जो पॉपुलेशन जो थी उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हुई, तेजी से हुई। 2001 से जो है 2011 को अगर हम कंपेयर करेंगे इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी बड़ी मेघालय की, कितनी बड़ी, 27% से जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है लोवेस्ट कहां पर रही, लोवेस्ट कहां पर रहती है, नागालैंड में रही। कहां पर रही, नागालैंड में रही। तो याद रखेंगे नागालैंड में जो है ग्रोथ जो है काफी कम रही है। अच्छा नागालैंड के किस शहर में, तो लोंगलेंग जो है उस शहर का नाम था जो कि लोवेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बेसिकली लोवेस्ट जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ उसने शो की, कितनी की है, -2 में की है, 0.5% जो है की है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला कुछ और फैक्ट देखेंगे। अब हमारी पॉपुलेशन जो है कुछ रूरल एरियाज में है, कुछ अर्बन एरियाज में, कुछ गांव में बसती है कुछ शहरों में है। रूरल की अगर बात करते हैं तो कितनी है, 83%, 83 करोड़ जो है जो वो रूरल एरिया में हमारी पॉपुलेशन रहती है। याद रखेंगे रूरल एरिया में हमारी 83 करोड़ जो है पॉपुलेशन रहती है, शहरों में हम 37% जो है वो रहती है। लेकिन आपने देखेंगे आप आगे कि कैसे अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि गांव से लोग जो है वो शहर की तरफ जो है इंडिया जैसी कंट्री में मूव कर रहे हैं। रूरल पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट कहाँ पर है, किस कंट्री में जो है हाईएस्ट है, सॉरी किस स्टेट में जो है रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तकरीबन 19.96 जो है वो पॉपुलेशन है जिसमें से 15 इतनी करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें से ऑलमोस्ट 15 करोड़ लोग जो है गाँव में रहते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन लोवेस्ट कहाँ पर होगी, सिक्किम में, सिक्किम में जो होगी वो लोवेस्ट होगी, सिक्किम में ज्यादातर शहरों में रह रहे लोग। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कि शहर में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जैसे शहर में हाईएस्ट होगी वो अर्बन पॉपुलेशन होगी। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, सिक्किम में है। लोएस्ट कहाँ पर होगी, सिक्किम में होगी। अब बात करने वाले हैं हम देखिए यहां पर जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा पॉपुलेशन से कि हाईएस्ट जो है वो कितनी है और कहाँ पर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वहां पर होगी यूपी में जो है 20 करोड़ है, 20 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन कहाँ पर होगी, वो यूपी में होगी। फिर हम बात करेंगे स्टेट को अगर हमने कंपेयर किया तो किस स्टेट में होगी, यूपी में। अगर किस यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट होगी तो वो दिल्ली होगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है। लोवेस्ट की बात करेंगे तो सिक्किम में लोवेस्ट होगी, लक्षद्वीप में जो है यूनियन टेरिटरी में जो है वो लोवेस्ट होगी। देखिए
पहले हम स्टेट में देख रहे हैं, फिर हम यूटी में देख रहे हैं और फिर हम डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में होगी? यूपी में होगी। हाईएस्ट पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में होगी? तो वो दिल्ली में होगी। किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट होगी? तो वो थाने डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र। फिर हम लोवेस्ट की बात करेंगे, लोवेस्ट जो होगी वो सिक्किम में होगी। लक्षद्वीप में जो है, इन जब हम यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे कम जो है वो होगी, और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दिबांग वैली में होगी। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, अब हम लिटरेसी को देखेंगे। ठीक है, लिटरेसी को देखने वाले हैं। लिटरेसी में आप देखिए, मेल की जो लिटरेसी रेट है हमारे यहां पर कितनी है? 82% है। फीमेल में जो है 65%। लेकिन जब फ्रीडम हुई थी आजादी के वक्त, फीमेल का जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था, 8% के आसपास था। और आप उसके बाद जो है 2011 में 65% तक लेके गए। तो कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, कुछ डेटा है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का। मैंने ये देखिए, मैंने इस ग्राफ को जो है, ये ग्राफ को यहीं पर कंक्लूड कर दिया है कि मेल जो है वो रेड से शो किया गया। ये मेल है, मेल है, मेल है, मेल है। तो मेल की लिटरेसी जो है वो 2011 तक कैसे बढ़ी है? ग्राफ जो है कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ा है, 2001 से लेके 2011 में भी बढ़ा है। अब मेल की लिटरेसी जो है 82% तो पहुंच गई, लेकिन जो फीमेल की लिटरेसी है वो कितनी है? वो जो है 65% है। तब कितनी थी? 8.86 थी। मेल की तब कितनी थी? 1951 में 27% के आसपास थी, और अब 82 हो गई है। फीमेल की 8% थी, अब 65% हो गई है। तो ये लिटरेसी रेट है इंडिया का। स्टेट की बात करूंगा मैं, और यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट तीनों को कंपेयर करूंगा। पहले नंबर पे स्टेट है, फिर यूटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट जो है वो स्टेट अगर हम देखेंगे लिटरेसी में, तो हम बचपन से पढ़े हैं केरला। केरला जो है वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। कितना है? 94% के आसपास जो है लिटरेसी रेट है। अगर यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर करेंगे तो लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप में 91% है। अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी है, वो कौन सा? सचिव डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की। लोवेस्ट लिटरेसी कहां पर है? बिहार में है। कितनी है? 63% है। और फिर यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे, दादरा एंड नागर हवेली जो है यहां पर इस यूटी में जो है लोवेस्ट जो है लिटरेसी। एक वो डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसमें जो है सबसे कम लिटरेसी रेट है। ये एमपी की, मध्य प्रदेश की अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, सेक्स रेशो की बात करेंगे। ठीक है, आपने ये जो है वो डेटा जो है वो नोट करना चाहोगे तो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं। आपने तो देख लिया, हाईएस्ट लिटरेसी भी देखा, लोवेस्ट लिटरेसी भी देखा। अब हम बात करेंगे किसकी? सेक्स रेशियो की। मैंने भी एक आइडिया दिया था आपको पहले कि सेक्स रेशियो 940 फीमेल्स है टू 1000 मेल्स इंडिया में। तो ये सेक्स रेशियो है। अगर हम ट्रेंड की बात करता हूं, ट्रेंड की जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो 1951 से 2011 इंडिया का ऑलमोस्ट सेम रहा है। पूरी कंट्री को जब आप जो एक नेशनल लेवल पे हम देखेंगे, देखिए 1951 में 946 था, तो आज जो है 940 है। तो आज जो है वो सेम है, थोड़ा बहुत जो इसमें वेरिएशन आया, बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ, बट 940 फीमेल्स टू 1000 मेल जो है ये सेक्स रेशियो है। अब हम कंपेयर करेंगे डाटा, सबसे ज्यादा जो है सेक्स रेशियो जो है वो किस स्टेट में? हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो केरला का है। कहाँ का है हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो? कहाँ का है? वो केरला का है। अच्छा, स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो होगा वो हरियाणा का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ में जो है इंडिया हरियाणा के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। इनका बहुत कम था, 8871 था, फिर जो है 68 भी, 65 भी हो चुका है, लेकिन अब जो है 879 के आसपास जो है मतलब नेशनल एवरेज से भी जो है इनका कम है। 879 फीमेल्स होगी टू 1000 मेल्स। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो हमारी पौडीचेरी जो है यू, इसका जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा। दमन दीव का जो है वो सबसे कम होगा। तो समझ लीजिए ये। अब देखिए कुछ ऐसी टॉप 5 स्टेट्स फॉर सेक्स रेशियो और बॉटम 5 स्टेट फॉर सेक्स रेशियो जो मैंने ब्लू में ली है, ये रहा लिया मैंने ग्राफ उन स्टेटों का जो कि टॉप करती है सेक्स रेशियो, जिसमें केरला है जिसका आज की डेट में 948 वो जो है वो सेक्स रेशियो है। तो उसके बाद कर्नाटका में भी जो है 929 है,
छत्तीसगढ़ में वो 961 है, ये फॉली 2011 की सेंसस के मुताबिक। बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी 930 जो है वो 9 है, उड़ीसा में 938 है, और ये तो टॉप 5 स्टेट है। लेकिन वो स्टेट है जहां पर सेक्स रेशियो कम है, तो आपने देखा ये दादरा नगर हवेली के साथ ही जो है दवन दमन दीव के साथ, ये गुजरात है, गुजरात में कम रहता है, राजस्थान में भी कम है। तो जो भी नॉर्थ इंडिया के आसपास की है, चाहे हम यहाँ पर बात करें दिल्ली की बात करें हरियाणा की बात करेंगे, यहाँ पर जो है सेक्स रेशियो काफी कम है। तो आप समझ लीजिए ये जो बेल्ट है यहाँ पर, ये वो बॉटम स्टेट है सेक्स रेशियो में, और ये वाली जो बेल्ट है ये जो है हाइस्ट है यहाँ का सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के अलावा एक और चीज होती है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है 0 से 6 ईयर्स जो है चाइल्ड का देखा जाता है, 914 फीमेल्स टू 1000 मेल्स, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो। यहां पर भी हरियाणा का कम रहेगा, हम इसे जो है वो देखेंगे। इसमें गर्ल्स पर 1000 बॉयज देखा जाता है कि कितनी लड़कियां हैं पर 1000 जो है वो बॉयज जो है वो देखा जाता है। इंडिया का जो है 976 से जो है काफी जो है कम होती जा रहा है, 914 पे आ 2011 में पहुंचा हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो काफी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया का। हरियाणा जो है यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी डिक्लाइन होती जा रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अब देखिए स्टेट जो हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो हाईएस्ट है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, अरुणाचल याद रखेंगे अगर हम स्टेट को कंपेयर करते हैं। हरियाणा का लोवेस्ट है, तभी मैंने हरियाणा की एग्जाम्पल दी है आपको। यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा तो अंडमान निकोबार का जो है वो हाईएस्ट जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, दमन दीव का जो है वो लोवेस्ट जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट जो है आप याद रख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अच्छा कुछ और मैं अगर उनके शहरों में जाऊं, मैंने जैसे यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट का गया हूँ, ठीक है, वो नहीं यहाँ पर रखा, ठीक पीछे जो था उसमें शायद मैंने यहाँ पर इधर भी नहीं रखा, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको ताकि याद रहे। ये हाई सेक्स रेशो हमने देखा केरला का है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे केरला की, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगा, तो कोझीकोड है। कौन सी? कोझीकोड केरला की जो है डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का जो है हाई सेक्स रेशो है। लोवेस्ट जो है वो जो किस शहर का अगर सिटी का पूछा जाए तो महाराष्ट्र की भिवंडी है, भिवंडी, ठीक है याद रखेंगे, भिवंडी जो है महाराष्ट्र की, यहाँ पर जो है लोवेस्ट जो है वो सेक्स रेशो है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की। अब इंडिया जो है, या आप ऐसे भी ऐसा नेशन भी अगर हम देखेंगे, कोई भी पूरे ग्लोब देखेंगे पूरा, तो ग्लोब में हर जगह तो लोग नहीं रह रहे, जहां पर भी मैप बना हुआ है कंट्रीज दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे ये इंडिया है, सपोज यहाँ पर जो है यूपी के आसपास जो है बहुत से लोग रह रहे हैं, इधर लद्दाख है एक दो कहीं रह रहे हैं, इधर अरुणाचल है कुछ लोग रह रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो है तरीके से पॉपुलेशन कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब बात तो ये है, हमें क्या देखना है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर कि लोग कितने लोग जो है कितने स्क्वेयर किलोमीटर में रह रहे। नेशनल एज ए नेशन इंडिया का हम देखेंगे 382 जो है स्क्वेयर किलोमीटर जो है, मतलब 382% जो है एक स्क्वेयर किलोमीटर में रह रहे, कितने? 382%। लेकिन वो स्टेट बताइए जहां पर सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, जहां की डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत से लोग जो है वहां रह रहे हैं, तो वो स्टेट हमारी बिहार। तो बिहार की जो है वो हाईएस्ट जो है वो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन 1106 लोग रह रहे हैं बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर। यूनियन टेरिटरी को देखेंगे तो वहां पर दिल्ली आता है, दिल्ली में तो उससे भी ज्यादा लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर। और फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, यहाँ पर तो 37,000 लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, इतने कंजेस्टेड, इतने ज्यादा लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे। और वहीं पर बात करेंगे लोवेस्ट में, तो दिबांग वैली आती है अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 3 से 4 लोग जो है वो एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। कहाँ? यहाँ पर 37,000 और यहाँ पर 2 से 3 लोग रह रहे एक स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट में देखेंगे लोवेस्ट डेंसिटी जो है अरुणाचल प्रदेश की रहेगी, यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा तो अंडमान निकोबार की रहेगी,
ठीक है। अब देखिए मैंने जो यहाँ पर नीचे पिक्चर लगाई है क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाता है। पहले नंबर पे तो हमने बिहार को रख लिया, 1106 लोग रह गए 100 किलोमीटर में, ठीक है। जो येलो वाला है ये 2001 का है और जो ऑरेंज है ये 2011 का सेंसस। इसके बाद सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है जहां पर 1028 लोग रह रहे 100 किलोमीटर में। फिर केरला आता है 860 लोग रह रहे 100 किलोमीटर में। फिर उत्तर प्रदेश 829 और फिर हरियाणा 573 लोग रह 100 किलोमीटर में। चलिए अब आगे चलते इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट तो आप जानते हैं छोटे बच्चों को कहा जाता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, जिसे हम IMR भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 43 डेथ होती है 1000 बर्थ पर। IMR जो है इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ वन, एक साल से पहले जो है कितने बच्चे मरते हैं फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ जितने जन्म जो लेते हैं एक बच्चे, उनसे कंपेयर किया जाता है एक साल से कम उम्र के कितने बच्चे जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर भी है हेल्थ सिनेरियो को जज करने का कंट्रीज भी। आपने स्टेटिस्टिक्स टिप्स पढ़ी होगी, वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वहां पर आपको क्रूड बर्थ रेट, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें पढ़ाई होगी, ठीक है। तो ये हमने देखना है, कंपेयर करना है कि डेथ कितनी होती है 1000 लाइव बर्थ पे, कितने बच्चों की डेथ होती है। अब इसके रिलेटेड क्या डेटा है हमारे कंट्री में, हाइस्ट जो डेथ होती है मोर्टेलिटी की बात करते हैं, इन्फेंट जो सबसे ज्यादा मरते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मरते हैं। लोवेस्ट की बात करेंगे तो मणिपुर में, मणिपुर का लोवेस्ट होगा। तो आप देखिए हमारे पास डेटा है कुछ, आप देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी का है टोटल जो हमारे पास है, ये टोटल है, ये हमारा रूरल एरियाज की डेथ्स है और ये अर्बन एरियाज की है। अब देखिए सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हो, रूरल एरियाज में हो रही है। ये ग्रीन लाइन यहाँ पहले से 1980 में भी जो यहीं पर हो रही थी, 1985 में भी रूरल एरियाज में हो रही है, 90 में भी, अब हम फाइनली 2011 को भी देखेंगे सबसे ज्यादा डेथ हमारे रूरल एरियाज की हो रही है, यहाँ पर हो रही है। क्यों? हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, उतनी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है रूरल एरियाज में। कंपेयर करेंगे हमारा डेटा, हमने काफी इम्प्रूवमेंट तो की है हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखें, ठीक है। 2011 तक हम देखेंगे वो डेथ जो है वो काफी कम हो चुकी है, 40 डेथ हो रही है। कहाँ हमारा 1980 में जो है 120 के आसपास जो है ये रेशो था, और फाइनली जो है कम होती जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम मदर ये देखते हैं कि वो माइन जो जन्म देते हुए जो है जन जो है मर जाती है। अब यहाँ पर जो है 167 डेथ हो जाती है, बट हम यहाँ पर लाइफ जो बर्थ देखते हैं 1 लाख का देखते हैं, 1000 का नहीं देखते, 1 लाख का देखते हैं। तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15-49, 15 से 49 ईयर्स की मदर्स जो होती है, ये जो फीमेल्स होती है इस एज ग्रुप की जो डाई जो मर जाती है, इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से विद इन द प्रेगनेंसी के 42 डेज तक देखा जाता है इनको, बट यहाँ पर जो है 1 लाख जो है वो लाइव बर्थ को काउंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डेटा है, सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कहाँ का, असम का है, लोवेस्ट जो है वो केरला का होगा। इंडिया में अब आगे चलते हैं, चलिए मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, और मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी बहुत रिवीजन तो करा दी टॉपिक की ताकि हम क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओ, बट अब सभी जो है जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आप इसका आंसर देंगे। विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के मुताबिक विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। लीस्ट का मतलब पॉपुलेशन जहाँ की कम है, हमने सिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सी सिटी है, तो वो सिटी हमारी कपूरथला होगी। कौन सी सिटी होगी? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में है। तो संसद 2011 के मुताबिक
हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी, जो मुंबई था महाराष्ट्र का मोस्ट पॉपुलेटेड थी। उसके अलावा जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो कौन है, वो दिल्ली है। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करूंगा, कपूरथला सिटी जो है पंजाब की, फेमस है ये कपूरथला किसके लिए, फर्नीचर के लिए। अब देखिए हमने सेंसेस के मेन पॉइंट आपको पढ़ा दिए, अब लेकिन जो क्वेश्चन है कुछ और टाइप के भी होंगे, जो चीजें आपने इसमें ऑलरेडी पढ़ी उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स होंगे। अब जैसे कि ये हमने पॉइंट वहां पर नहीं पढ़ा, बट ऐसी ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें आप देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की बात नहीं की मैंने, हाईएस्ट डेंसिटी की बात की। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की है। चार ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो सही आंसर क्या होगा, बिहार। तो यहीं पर अगर मैं सेकंड नंबर का पूछूं तो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो रिकॉर्ड है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 का, जो उसके मुताबिक जो है डेंसिटी जो बिहार की जो है वो सबसे ज्यादा है। कितनी है, 1106% जो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल रहता है, उसके बाद जो है वो केरल रहता है, फिर जो है उत्तर प्रदेश रहता है, और फिर जो है हरियाणा रहता है। तो देखिए पांचों आपको याद रहे। एज पर द सेंसस 2011 विच आर द फ्री स्टेट ऑफ यूटी क्लेम्ड सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ द लिटरेसी रेट। फर्स्ट रैंक किसका है, केरल का है। तो यहाँ पर सेकंड रैंक पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसका सेकंड रैंक है, तो कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा, जहाँ पर 91 पॉइंट कुछ रहता है। लक्षद्वीप जो है यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट ज्यादा है, इसका अपवर्ड ट्रेंड है। तो 91.85% जो है एज पर 2011 सेंसस है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट जो है 95% है और फीमेल 87% है इनकी लिटरेसी रेट। तो सेकंड पोजीशन है इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट। तो सर्वे 2011 के मुताबिक केरला जो है हाईएस्ट है टोटल लिटरेसी, ठीक है, एंड फीमेल लिटरेसी भी उनकी हाईएस्ट है। लक्षद्वीप के जो है हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है, बिहार जो है वो लोएस्ट जो है टोटल लिटरेसी रेट में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में बताइए 2011 के सेंसस के मुताबिक, तो कितनी होगी, 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया जो है वो कितनी है, 382% रहती है एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब बाकी मैंने बता दिया दिल्ली की कितनी ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली की उसमें जो है वो कितनी ज्यादा है, 37,000 रहते हैं। बिहार की बता दी, बाकियों की लिस्ट की भी बता दी है। तो ये होपफुली जो है ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होंगे, आगे जो हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत से हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल मैं आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे सभी देंगे, अगला क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज होम टू द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना, वो कौन सी स्टेट है जो जो कि घर है किसका, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन का। अभी मैंने पढ़ाया भी है और उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। थैंक यू वॉचिंग, विश यू गुड लक। ठीक है, मुझे लगता है एक जगह कहीं गलती हुई है, वो पॉपुलेशन में कोई चेक करने देना। यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट कहाँ पर, प्रदेश में, और रूरल पॉपुलेशन लोवेस्ट कहाँ पर, सिक्किम में। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस सिटी में है, महाराष्ट्र में है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है वो, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। फिर हमारे पास जो है अगला पॉइंट है लोअर, अच्छा ठीक है, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर क्या था, रूरल पॉपुलेशन लोवेस्ट इन सिक्किम में, और लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर थी, ठीक है। तो इसको जरा देखना पड़ेगा लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है। ठीक है, मुझे लग रहा है सिक्किम ही जो है, मगर हाईएस्ट भी वहीं पर होगी तो कैसे चलेगा रूरल पॉपुलेशन। और ठीक है अर्बन पॉपुलेशन, चलिए इसको देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो मैं कमेंट में नीचे पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।